चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंडिया का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर जीरोधा का काइट ऐप कैसा है और काइट ऐप के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप आपके पासवर्ड और दो सिक्योरिटी क्वेश्चन जो प्रीसेट सिक्योरिटी क्वेश्चन था उसका आंसर देके आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन के बाद लेफ्ट साइड में आप देखोगे कि मार्केट वॉच है और राइट साइड में डैशबोर्ड है। मार्केट वॉच में 5 लिस्ट टोटल अवेलेबल है और एक एक लिस्ट में आप 40 तक अप टू 40 यानी टोटल 200 स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो। कोई भी स्क्रिप्ट ऐड करने के समय आप उसका नाम टाइप कर दीजिए, जैसे मैं यस बैंक टाइप किया और नीचे यस बैंक का जो स्क्रिप्ट आप ऐड करना चाहते हो उसका प्लस बटन में क्लिक कीजिए तो वो स्क्रिप्ट आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद राइट साइड में डैशबोर्ड में जाके आप लोग इक्विटी बैलेंस, कम्युनिटी बैलेंस, होल्डिंग्स, करेंट वैल्यू क्या है सब कुछ देख सकते हो। ऑर्डर्स में जाके उस डेट का ऑर्डर्स, होल्डिंग्स में कि आपका होल्डिंग्स है, पोजीशंस में जाके आपका पोजीशंस क्या है और फंड्स में जाके आपका इक्विटी और कमोडिटी का टोटल फंड्स डिटेल्स चेक कर सकते हो। ऐप्स के अंदर आपको जीरोडा प्रोवाइडेड 3 ऐप्स, कॉइंस, ट्रेक्स एंड सपोर्ट पोर्टल मिलेगा। नोटिफिकेशन में जाके कोई नोटिफिकेशन है तो मिल जाएगा। इसके बाद आपका अकाउंट के अंदर जाके और भी 8 चीज़ आप देख सकते हो। यहाँ आप पहले माय प्रोफाइल में आपका प्रोफाइल डिटेल सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपका बैक ऑफिस में जाके देख सकते हो क्या फंड्स का स्टेटस क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, आपका प्रोफाइल, आप किसी को रेफर करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, आपका लेजर। और सबसे बड़ा चीज़ है दोस्तों, आप बैक ऑफिस से आपका पूरा स्टेटमेंट सब कुछ देख सकते हो। हालांकि जीरोधा SMS और ईमेल में स्टेटमेंट भेजता है, लेकिन आप बैक ऑफिस से सब कुछ अपने आप देख सकते हो। जीरोधा का कॉइन ऐप्स के माध्यम से आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वार्सिटी जीरोधा का नॉलेज डेवलपमेंट ऐप है, जहाँ जीरोधा तरह तरह के लर्निंग टूल्स अवेलेबल किया है। इसके बाद पाल्स में जाके आप रिसेंट न्यूज़ सब देख सकते हो और थोड़ा टूर गाइड, कीबोर्ड शॉर्टकट, ये सब हेल्प सब मिल जाएगा यहाँ पर आपको। चलिए दोस्तों आप मेन चीज़ें जीरोधा का देख लेते हैं, जो है ऑर्डर प्लेस करना। दोस्तों आप यहाँ स्क्रिप्ट में जाओगे तो आपका बाय, सेल, मार्केट डेप, चार्ट, डिलीट और मोर ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ मार्केट डेप में जाके आप बिड क्वांटिटी, बिड वैल्यू, ऑफर क्वांटिटी, ऑफर वैल्यू, हाई लो वॉल्यूम, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ चार्ट में क्लिक करके हम लोग चार्ट देख सकते हैं और ब्यूटीफुल चार्ट है काइट का, और फुल चार्ट करके फुल चार्ट भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बाइंग ऑर्डर कैसे लगाते हैं देख लेते हैं। बाइंग ऑर्डर के लिए बी में क्लिक कीजिएगा तो एक ऐसे ड्रॉप डाउन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपका दो ऑप्शन दिखेगा, पहले MIS एंड CNC। MIS मींस मार्जिनल इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, मींस आपका इसमें मार्जिन मिलेगा और इंट्राडे में यहाँ ट्रेड करना पड़ेगा और आपका दिन का लास्ट में ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। आप खुद से नहीं करोगे तो 3:20 में जीरोधा ही आपका स्टॉक स्क्वायर ऑफ कर देगा। और CNC मतलब कैश एंड कैरी, इट मींस आप जो डिलीवरी लेते हो, जो कैश में लेते हो और आप डिलीवरी लेके डीमैट अकाउंट में कैरी करते हो। ओके, तो आइए दोस्तों अभी देख लेते हैं MIS या मार्जिनल इंट्राडे स्क्वायर ऑफ ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। MIS में चार ऑप्शन होता है, मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस मार्केट। मार्केट मींस आप मार्केट, आप सिर्फ क्वांटिटी दे देते हो और मार्केट प्राइस में वो क्वांटिटी आप बाय कर लेते हो। इसमें और एक ऑप्शन दिख रहा है डिस्क्लोज क्वांटिटी, इसका मतलब है आप कितना क्वांटिटी मार्केट में दिखाना चाहते हो। दोस्तों आपने मैक्सिमम 10% क्वांटिटी डिस्क्लोज क्वांटिटी में डाल सकते हो, मानिए आप 10 क्वांटिटी खरीदना चाहते हो और एक ही आप डिस्क्लोज कर सकते हो मार्केट में कि आप एक खरीदना चाह रहे हो। मार्केट ऑर्डर के बाद आते हैं लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर में आपका सिर्फ एक ही चीज़ चेंज होता है, वो है प्राइस। आप मार्केट ऑर्डर में मार्केट प्राइस में खरीदते हो, लेकिन लिमिट ऑर्डर में आपका प्राइस आप लिमिट कर देते हो कि इस प्राइस में ही आप
वो स्टॉक लेना चाहते हो, जब प्राइस गिर के यहाँ आएगा तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। स्टॉप लॉस ऑर्डर में और एक ही चीज़ डालना पड़ता है, वो है ट्रिगर प्राइस, ट्रिगर प्राइस या स्टॉप लॉस प्राइस। आप स्टॉप लॉस प्राइस डाल देते हो तो अगर मार्केट नीचे आता है तो ये स्टॉप लॉस प्राइस में आप लॉस बुक करके निकल जाते हो, और स्टॉप लॉस मार्केट में सब कुछ सेम है, सिर्फ लिमिट प्राइस के बदले में मार्केट प्राइस में बाय हो जाता है आपका स्टॉक। फ्रेंड्स नीचे जाके हम लोग देख लेते हैं मोड ऑप्शन में, ये सब कुछ रेगुलर ऑर्डर था। इसके बाद बीओ मींस ब्रैकेट ऑर्डर, सीओ मींस कवर ऑर्डर, और एएमओ मींस आफ्टर मार्केट ऑर्डर। फ्रेंड्स आफ्टर मार्केट ऑर्डर और रेगुलर ऑर्डर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि रेगुलर ऑर्डर में आप ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आप ये ऑर्डर डाल सकते हो, और आफ्टर मार्केट ऑर्डर में आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द मार्केट आवर और बिफोर ओपनिंग ऑफ द मार्केट आवर आप ये ऑर्डर डाल सकते हो। दैट मीन्स आप मार्केट के ऑफ टाइम में आफ्टर मार्केट ऑर्डर डाल सकते हो। इसके बाद आते हैं ब्रैकेट ऑर्डर में। ब्रैकेट ऑर्डर में आपका सिर्फ लिमिट ऑर्डर ही होता है, ब्रैकेट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर में नहीं एग्जीक्यूट होता है। ब्रैकेट ऑर्डर में आपका प्राइस लिमिट करना पड़ता है, और एक ये ऑर्डर एक ब्रैकेट के अंदर रहता है, यहाँ आपका टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस पहले से फिक्स्ड कर देना पड़ता है, इसलिए इसको ब्रैकेट ऑर्डर कहा जाता है। और स्टॉप लॉस और टारगेट में ऐसे आपका सिर्फ पॉइंट लिखा जाता है कि आपका 10 पॉइंट स्टॉप लॉस हो गया और 20 पॉइंट्स आपका टारगेट हो गया, कोई भी एक अगर हिट हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और इसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑप्शनल है, डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। गाइज इसके बाद आते हैं कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर बहुत ही सिंपल एक ऑर्डर है। देखिए यहाँ प्राइस लिमिट और मार्केट दोनों में ही कवर ऑर्डर हो सकता है, और यहाँ और एक ही चीज़ सिर्फ एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, वो है ट्रिगर प्राइस या स्टॉप लॉस प्राइस। अब तक हमने देख लिया MIS में मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर कैसे डाला जाता है, और इसमें रेगुलर, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर और एम ऑर्डर क्या होता है। और एक ऑप्शन यहाँ नीचे है, देखिए डे और IOC। डे मीन्स आपका ऑर्डर पूरा डे वैलिड रहता है जब तक ना एग्जीक्यूट हो जाए, एंड IOC मीन्स इमीडिएट और कैंसिल। इट मीन्स कि आपका ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाएगा। बाइंग के जैसा सेलिंग में भी एकदम सब कुछ सेम है। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से आपका थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ा है या तो कोई बेनिफिट हुआ है तो आप ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर वीक ऐसे ही एक बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। थैंक्स फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।